तो हाय एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताएंगे कि आपका फोटो जो है परमानेंटली सेव कैसे रखें। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को कोई भी ऐप इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। ये मतलब मोबाइल का, हर एक मोबाइल का अंदर में मतलब हैडन आपका एक ऐप रहता है, आप लोगों को पता नहीं होता है। तो आप लोगों को मतलब आज पूरा बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, जैसे कि क्या होता है, कैसे कि हमारा मोबाइल का गैलरी के अंदर में हमारा कोई भी फोटो डिलीट हो जाता है, या फिर हम लोग कोई भी मतलब फोटो को ऐप लॉक में रखते हैं तो हमारा क्या होता है, ऐप लॉक मतलब इंस्टॉल करने अनइंस्टॉल कर देने के बाद हमारा मतलब फोटो जो है मतलब डिलीट हो जाता है और हमारा वो जो फोटो हमको नहीं मिलता है। तो हम लोग परमानेंटली जो है हमारा फोटो कैसे सेफ रखे, और आपका मोबाइल आप लोग मतलब सेल भी कर दे या गुम हो जाए तो भी परवाह नहीं, आप लोग दूसरा मोबाइल से वो फोटो को ला सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे ये करना है हम आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नया आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा मोबाइल का स्क्रीन में हम आ गए। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, हर एक फोन का अंदर में जो है गूगल ड्राइव बोल के एक एप्लीकेशन रहता है, तो आप लोगों को जो कोई भी ऐप जो है मतलब डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, डायरेक्टली ड्राइव में चला जाना है, गूगल ड्राइव में। उसके बाद दोस्तों, आप लोग उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद आप लोग कोई भी फोटो को मतलब अपलोड करेंगे तो ये जो मतलब इंटरनेट के माध्यम से होता है, आप लोग अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को फोन जो है आप लोग रेस्टोर मार देगा या कुछ भी कर देगा तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो फोटो है गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को कैसे अपलोड करना है, आपको एक फाइल बनाना है या फाइल आप नहीं भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक फोटो को अपलोड करके आप लोगों को दिखा रहे हैं लाइव प्रूफ। तो ये जो प्लस का आइकन दिखा रहा है यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों, आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अपलोड का मतलब ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फोल्डर का भी आ रहा है, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे मतलब सामान रख सकते हैं। तो हम लोग एक फोटो को अपलोड करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो अपलोड में प्रेस किए हैं। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ हमारा फोटो दिख रहा है, यहाँ पे गैलरी दिख रहा है या फिर ऑडियो फाइल भी दिख रहा है, म्यूजिक भी आप लोग या कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग रख सकते हैं इसमें, एकदम सेफ रहेगा दोस्तों। वीडियो भी रख सकते हैं, फोटो भी रख सकते हैं। तो हम लोग एक क्या कहते हैं, एक फोटो को हम लोग अपलोड करके आप लोगों को दिखाना है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो वीडियो को मतलब जो फोटो को हम लोग मतलब अपलोड कर रहे हैं, अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मतलब इसका आइकन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, एक बार ऐसे कर देना है, दो बार आप लोगों को या इसको अपलोड करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप लोगों को इंटरनेट जो है आप लोगों को ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद और एक बार उसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों, आप लोगों को जो मतलब फोटो है ऑटोमेटिकली जो है अपलोड हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद में। तो ऐसे ही मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी आप लोगों का मतलब फोटो जो है यहाँ से डिलीट नहीं होगा जब तक कि आप मतलब डिलीट ना कर दें, तब तक ये फोटो जो है डिलीट नहीं होगा। तो मतलब ऐसे ही आपका जो फोटो है आप परमानेंटली इसको मतलब सेफ रख सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब आप लोगों को मतलब बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप लोग मतलब ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।